दोस्तों 24 अप्रैल 1967 को रशियन कॉस्मोनॉट व्लादिमीर कोमरोव एक कैप्सूल में 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पृथ्वी की ओर बढ़ रहे थे। हाई स्पीड और हाई प्रेशर की वजह से उनका कैप्सूल एक उल्का पिंड बन चुका था। कैप्सूल के अंदर का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा था और व्लादिमीर सिर्फ एक ही बात बार बार चिल्ला रहे थे, हीट इज राइजिंग इन द कैप्सूल। और फाइनली उनका कैप्सूल ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के बाद जो चीज ब्लास्टिंग साइट पर मिली वो थी ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक 80 सेंटीमीटर की गली हुई बॉडी। लेकिन दोस्तों हम आपको यहाँ ये बता दें कि इस पूरे इंसिडेंट को रोका जा सकता था। इनफैक्ट रशियन स्पेस एजेंसी को तो ये पता था कि व्लादिमीर की जान जाने वाली है, और तो और व्लादिमीर को खुद भी ये पता था कि उनकी मौत होने वाली है और वे कभी भी वापस लौट कर नहीं आ पाएंगे। पर सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों रशिया और व्लादिमीर ने खुद ही अपनी जान दांव पर लगाई। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इस मिस्ट्री को जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व्लादिमीर कोमरोव एक सोवियत टेस्ट पायलट, एयरोस्पेस इंजीनियर और कॉस्मोनॉट थे। वे बचपन से ही स्पेस और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग को लेकर हमेशा ही उत्सुक रहते थे। उनका ड्रीम था एयरोस्पेस इंजीनियर बनना, पर शायद उनकी किस्मत को उनका यह सपना पूरा होना इतना जल्दी मंजूर नहीं था, क्योंकि उनके बचपन में वर्ल्ड वॉर टू के दौरान अपना पेट पालने के लिए और अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए उन्हें मजदूरी करनी पड़ती थी। लेकिन उन्हें अपने सपने पर भरोसा था और इसलिए उन्होंने अपने सपनों पर बिलीव करना कभी नहीं छोड़ा था। उन्हें बस किसी चीज की जरूरत थी तो वो थी एक मौका, और उन्हें वो मौका मिला जब सोवियत एयरफोर्स की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से अपनाया और फाइनली मेहनत करते करते 1959 में सक्सेस की कई सीढ़ियां उन्होंने चढ़ी और एक दिन वे रशियन स्पेस एजेंसी के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉस्मोनॉट बन गए। लेकिन वे एक ऐसे कॉस्मोनॉट बने थे जो कभी कॉस्मोस में ट्रेवल नहीं कर सकता था। उन्हें उनके न्यू स्टेटस और नेचुरल स्किल्स इन मैथमेटिक्स की वजह से स्पेस एजेंसी में तो एंट्री मिल गई थी, लेकिन उनकी उम्र उस समय 27 साल से ज्यादा थी, इसलिए उनका स्पेस में जाना नहीं बनता था। लेकिन उन्हें इन रूल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वे खुद स्पेस एजेंसी के काफी कामों में इन्वॉल्व रहते थे, इसलिए वे जानते थे कि उनके एक्सपीरियंस की वजह से आज नहीं तो कल उन्हें स्पेस में जाने का मौका जरूर मिलेगा, और इसलिए वे फ्यूचर मिशंस के लिए हमेशा अप्लाई करते रहते थे। और फाइनली 4 अक्टूबर 1964 के दिन उनके एप्लीकेशन को अप्रूवल मिल गया। उनके साथ ही उनके सबसे चहेते दोस्त यूरी गैगरिन को भी एक न्यू मिशन के लिए सेलेक्ट किया गया था, जिसका नाम मिशन सोयुज था। सोयुज प्रोग्राम एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था, जिसमें पहली बार पृथ्वी से स्पेस में 3 एस्ट्रोनॉट्स जाने थे। इस मिशन को सोवियत यूनियन के 50 साल पूरे होने की खुशी में लॉन्च किया गया था। सोवियत यूनियन उस समय बहुत ही पावरफुल कंट्री था, इसलिए अपने 50 साल पूरे होने की खुशी में उसका कुछ स्पेशल करना लाजमी था। इसलिए उस समय के सोवियत कंट्री के लीडर ब्रेजनेव ने 2 नए स्पेस रॉकेट्स को स्पेस में लॉन्च करने की तैयारी कर रखी थी। वैसे तो मिशन काफी सिंपल था, 2 स्पेस रॉकेट्स लॉन्च होने वाले थे, सोयुज 1 और सोयुज 2। सोयुज 1 में एक एस्ट्रोनॉट्स को पहले जाना था और उसके बाद सोयुज 2 में 2 एस्ट्रोनॉट्स को अगले दिन जाना था। ऊपर जाकर दोनों स्पेस रॉकेट्स को आपस में मिल जाना था और तब सोयुज 1 के एस्ट्रोनॉट को सोयुज 2 में जाना था, और ऐसा होते ही मिशन सक्सेसफुल। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ यह थी कि सोवियत का लीडर ब्रेजनेव इस लॉन्च को सोवियत कंट्री के 50th एनिवर्सरी के दिन ही रखना चाहता था, ना ही उसके एक दिन पहले ना ही उसके एक दिन बाद। और जब ये बात सभी साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स ने सुनी तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी, क्योंकि उस समय तक सोयुज के 3-3 लॉन्च फेल हो चुके थे। सोयुज एयरक्राफ्ट उस समय न तो खुद को और न ही किसी इंसान को स्पेस में कैरी करने के लायक था, और बहुत से वैज्ञानिकों को यह भी लगता था कि सोयुज के डिजाइन में ही कोई फॉल्ट था। लेकिन इससे साफ था कि मिशन डिक्लेरेशन के समय ही वैज्ञानिकों को कहीं ना कहीं पता था कि मिशन बुरी तरह से फेल होने वाला था। लेकिन जो बात इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और कॉस्मोनॉट्स को क्लियरली दिखाई दे रही थी, वो बात दुर्भाग्य से सोवियत के लीडर ब्रेजनेव को दिखाई नहीं दे रही थी। उसको सिर्फ एक ही बात पता था कि सोवियत के 50th एनिवर्सरी के दिन ये स्पेस मिशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे इसकी वजह से उसके कंट्री के एस्ट्रोनॉट्स की बलि क्यों न चढ़ जाए। इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हर हालत में प्रूव करना चाहता था कि रशिया एक सुपर पावर कंट्री है। उसके इस डिसीजन को उस समय हर एक रशियन ने एक बैड डिसीजन कहा। दोस्तों उस समय की पॉलिटिक्स भी कुछ ऐसी ही थी।
रशिया को कोल्ड वॉर में किसी भी तरह से अमेरिका को नियंत्रित करना था और इसलिए ब्रेजनेव अपनी इस टेम्पटेशन को रोक नहीं पा रहा था। उस समय की सबसे पावरफुल कंट्री का लीडर था ब्रेजनेव, इसलिए उसके खिलाफ जाने की हिम्मत भी किसी की नहीं थी। उसके आसपास के लोग भी उसके इस डिसीजन से सहमत तो नहीं थे, पर उसके खिलाफ जाने की हिम्मत भी किसी की नहीं थी और उसने इस मिशन को एग्जीक्यूट करवा कर ही दम लिया। पर यूरी गैगरिन ने बड़ी हिम्मत जुटाकर ब्रेजनेव से कहा कि क्या हम इस मिशन को पोस्टपोन कर सकते हैं, और ब्रेजनेव ने उसकी बात को सुना तक नहीं। इससे गुस्सा होकर यूरी ने 10 पन्नों का एक मेमो बनाकर केजीबी को दे दिया। केजीबी एक सिक्योरिटी एजेंसी थी। ये एजेंसी किसी भी स्पेस मिशन में आने वाले थ्रेट को देखकर उस मिशन को रोक सकती थी, लेकिन ब्रेजनेव के पास इतनी पावर थी कि उसने केजीबी को भी अपने पैरों के नीचे कुचल दिया और ये बात कभी किसी के सामने तक नहीं आई। और जिन्होंने भी इस रिपोर्ट को लोगों के सामने लाने की कोशिश की, उन्हें या तो जॉब से निकाल दिया गया या उन्हें मरवा दिया गया। इसलिए यूरी और कोमरोव के पास एक ही रास्ता था कि मौत की फिक्र किए बिना इस मिशन पर जाया जाए। आप विश्वास नहीं करेंगे, फ्लाइट में चढ़ने से पहले ही कोमरोव ने अपने दोस्त यूरी से कहा था कि आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट बैक फ्रॉम दिस फ्लाइट। वह बिल्कुल श्योर थे कि उनकी जान इस मिशन में जाने वाली है और इसके बावजूद भी वे इस मिशन पर गए। अब यहाँ आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि व्लादिमीर कोमरोव को जब पता था कि इस मिशन में उनकी जान जाने वाली है, फिर भी वे इस मिशन पर क्यों गए। तो दोस्तों, इसका आंसर हम आपको दे दें। सब कुछ पता होते हुए भी इस मिशन पर जाने का सबसे बड़ा रीजन था दोस्ती। जी हाँ, दोस्ती। अगर कोमरोव इस मिशन से बैकआउट कर लेते तो उनकी जगह यूरी गैगरिन को इस मिशन पर जाना पड़ता, और इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों मैं किसी को मौत के मुंह में धकेलूं, इसलिए वे खुद ही इस मिशन पर चले गए। लेकिन उस समय के रिपोर्टर्स के अनुसार यूरी गैगरिन मिशन के दिन मिशन पर जाने की जिद करने लगे थे। वे नहीं चाहते थे कि उनका दोस्त अकेला यह सब करे और मौत को गले लगा ले। वे भी दोस्ती निभाना चाहते थे, लेकिन अथॉरिटीज ने उनकी एक भी ना सुनी, उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और उन्हें वो मौका नहीं दिया गया। इसी के साथ 23 अप्रैल 1967 को रात के 12:32 पर सोयुज 1 को लॉन्च किया गया। लॉन्च के 8 मिनट बाद तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट में घूम रहा था उसमें अजीब सी खराबी आने लगी और तब शुरू हुआ उनके मौत का तांडव। पहला ऑर्बिट कंप्लीट होते ही उनके स्पेसक्राफ्ट के सोलर पैनल खराब हो गए और इसी के साथ स्पेसक्राफ्ट के सारे इलेक्ट्रिकल चीजें भी खराब हो गईं। साथ ही टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी बंद हो चुका था और वक्त के साथ साथ टेम्परेचर गिरते ही जा रहा था। नेविगेशन सिस्टम भी खराब हो चुका था। सब कुछ बद से बदतर हो रहा था, लेकिन इस समय भी एक चांस बचा था। रशियन स्पेस एजेंसी सोयुज 2 को लॉन्च करके उनकी जान बचा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट रशियन स्पेस एजेंसी द्वारा इस मिशन को कैंसिल कर दिया गया और इसी के साथ जो भी थोड़े बहुत चांस कोमरोव को बचाने के बचे थे वे भी जीरो हो गए। इसी के कुछ समय बाद कोमरोव कैप्सूल में बैठकर अर्थ के एटमॉस्फेयर की ओर बढ़ने लगे, लेकिन उनके इस मूव ने उनकी मौत को और पास लाकर खड़ा कर दिया। एंड मोमेंट पर उनका पैराशूट भी ओपन नहीं हुआ और फाइनल शब्द जो उनके मुंह से निकला, बेथक किल्ड। इसके बाद उनका कैप्सूल एक मेटियोर की तरह अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराया और नीचे आकर बूम सीधे जमीन से टकराकर ब्लास्ट हो गया। क्रैश साइट पर सर्च टीम के हाथ जो लगा वह था ये 80 सेंटीमीटर की उनकी जली हुई मेल्टेड बॉडी। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी अपनी ईगो पर लेकर कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ भी हासिल नहीं होता। इसके बाद रशिया का लीडर ब्रेजनेव पूरी दुनिया में बदनाम हो गया था और उस दिन एक अच्छे देशभक्त ने अपनी जान गंवा दी जो अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। तो दोस्तों, आप व्लादिमीर कोमरोव की इस स्टोरी के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।